हमारी बिटिया बता रही थी कि ऑफिस में रोहिल बहुत खुश है, उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। आप तो अपने भतीजे की तारीफें करते थकते नहीं थे। ये वही भतीजा है जो बंटवारे के मामलात में सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। क्यों, आप नहीं चाह रही थी कि बंटवारा हो? तो मैंने ऐसा क्या गलत किया? अपने हक के लिए बोलने को गलत बात तो नहीं है, अपना हक मांगा है बस। और जबकि बंटवारा हो रहा है तो आप क्यों किसी खोज में लगी हुई हैं? रोहिल जो भी काम कर रहा है वो मेरे कहने पे ही काम कर रहा है। मशकूर साहब, पता नहीं मुझे आपसे डर लग रहा है। मुझे तो लगता है ऐन वक्त पर आप ही मुकर जाएंगे, वही पहले वाली तनख्वाह पर काम कर रहे होंगे। चाचाजान, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है जो इस वक्त हमारे कमरे में आना पड़ा है? कोई वक्त है? बीजान बहुत परेशान है। अच्छा, तो बीजान की वकील बनकर आई हो तुम? ये हमारे खानदानी मामलात हैं, हम खुद सुलझा लेंगे, तुम बीच में ना पड़ो तो अच्छा है। प्लीज, अगर हो सके तो पूछ लीजिएगा। वक्त देखते हैं ना, कुछ हो जाते हैं।